हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। और ये मेरा जो 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ प्रोटिस्टा का सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे मैं फिर से 10 क्वेश्चन अगेन डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो तैयार रहिएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों का थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म कर देंगे और आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे हों तभी तैयारी अच्छी होती है। तो ईजी लेवल के क्वेश्चन तो आप जैसे जानते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ हाई लेवल के होते हैं। लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक कर लेता है, कर ले जाता है, उसके ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर्स। एक स्लाइड है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं और उसमें ये फीचर दिखाई दे रहे हैं। फीचर क्या है? वन, यूनिसेलुलरिटी, कि ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। एंड नंबर थ्री पर है बाईफ्लैजलेट, या वन फ्लैजलम लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल उसका फ्लैजिला है और एक ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट वुड यू आइडेंटिटी इट एज, तो आप इसको इसकी आइडेंटिटी क्या देंगे, आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा ये आपका एनिमल है। तो यहाँ पे चूंकि ये माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, तो ये पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है प्रोटोजोअन है कोई, ऑप्शन बी है बैक्टीरियम है, ऑप्शन सी है यूग्लेनॉइड है, एंड ऑप्शन डी है डायनोफ्लैजेलेट है। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कि ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड है फ्रेंड, तो ये बैक्टीरियम तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें यूग्लेनॉइड, तो यूग्लेनॉइड में फ्रेंड्स आपका जो जो कैरेक्टर होता है, वो उसका एक कैरेक्टर ये भी होता है कि इसमें जो आपका है ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर सकता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है, ठीक है। प्रोटोजोअन में एक तो आपके फ्रेंड्स सिलिएट्स आते हैं जिसमें चारों तरफ सिलिया होता है, वो होता है पैरामीशियम, ठीक है। और आपके जो प्रोटोजोअन होते हैं उसमें यूग्लेना, उसमें एक होता है जिसमें कि क्या होते हैं फ्लैजेला होंगे, ठीक है। और इस तरीके से अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं जो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है फ्रेंड, जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, ये जितने भी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वो डायनोफ्लैजेलेट्स के ही शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, ऑप्शन ए है डायनोफ्लैजेलेट्स, ऑप्शन बी है यूग्लेनॉइड्स, एंड ऑप्शन डी डायटम्स एंड डेसमेट्स, सी एंड ऑप्शन डी इज स्लाइम मोल्ड्स। तो बताना है कि जो रेड टाइड्स हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो रेड टाइड्स है ये मैं बता देती हूँ। रेड टाइड्स जो हैं ये यहाँ पर डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होते हैं। गोनी ऑलेक्स आपने नाम सुना होगा, गोनी ऑलेक्स जो है मेनली ये रेड टाइड की इसकी वजह से रेड टाइड हो जाते हैं, तो जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, द गिवन स्टेटमेंट, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छा है। द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑप्शन पहला तो हमारे पास क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल। सेल वॉल नहीं है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इसमें क्या है, एक प्रोटीन रिच पेलिकल है जो इसकी बॉडी को बना रही है, मेकिंग देयर बॉडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में ही जो टू पार्ट है, जो टू पॉइंट है वो है दे हैव टू फ्लैजेला, इसमें दो फ्लैजेला हैं, शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। ओके,
और थर्ड पॉइंट है ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है बिल्कुल। और ऑप्शन और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हम लोग पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स, पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है पेलिकल होती है, इसमें क्या होती है फ्रेंड्स पेलिकल होती है, और यहाँ पे इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ठीक है। और जो पेलिकल होती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड कर सकता है, और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी है ये ठीक है। तो यहाँ पे यूग्लेना हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लेना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मैंने ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना दिया है फ्रेंड्स, बट आप लोगों ने अच्छी तरीके से यूग्लेना देखा ही होगा ठीक है। और बाकी बुक्स में तो बहुत सारे पिक्चर्स मिल ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लेना इज करेक्ट, यूग्लेना के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है हमारे पास यूग्लेना इज फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, की यूग्लेना फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन बी है हमारे पास यूग्लेना व्हेन प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूअस डार्कनेस लॉसेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइस, कि ये जब भी अंधेरे में रखा जाता है तो ये अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को खो देता है और मर जाता है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो है पिगमेंट ऑफ यूग्लेना इज क्वाइट डिफरेंट, जो यूग्लेना का जो पिगमेंट है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होते हैं उनसे अलग पिगमेंट होता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास यूग्लेना इज मराइन प्रोटिस्ट या मरीन प्रोटिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यूग्लेना इज फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, यही ऑप्शन इन सारे ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है ठीक है, यही सबसे ज़्यादा करेक्ट है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो डार्कनेस में रखने पर ये फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है और मरता नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता ठीक है। और उसके बाद पिगमेंट जो है यूग्लेना का वो ग्रीन प्लांट के पिगमेंट से डिफरेंट नहीं होता, ये भी नहीं है। और यूग्लेना इज़ मरीन प्रोटिस्ट, ये भी नहीं है, यूग्लेना फ्रेश वाटर में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यूग्लेना इज़ अ फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसका जो स्ट्रक्चर था वो रफ स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें मैंने एक फ्लैजेला भी आपको शो किया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि एक स्लाइमी स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म का ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म्स बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड की बॉडी बनाता है ठीक है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि हम मैं किस स्ट्रक्चर की तरफ बात कर रही हूँ फ्रेंड्स ठीक है। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी है मेक्समीबा, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पोरोसाइट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है स्पोरोसाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी है पेरीप्लाज्मोडियम। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रोटोप्लाज्म का स्लाइमी मास जो होता है वो स्लाइम मोल्ड्स के चारों तरफ बनता है उसका नेम, और मलेरियल पैरासाइट जो है उसका जो नेम है वो सेम ही सेम है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये क्या है प्लाज्मोडियम, बिल्कुल प्लाज्मोडियम हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कौन सा कैरेक्टर बिल्कुल सही है इसमें से। ऑप्शन ए है हमारे पास ये पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट ठीक है, कि पैरासिटिक हैं प्लाज्मोडियम बनाते हैं, सेल वॉल नहीं होती है उसमें, स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। ऑप्शन बी है सेप्रोफाइटिक हैं प्लाज्मोडियम विद वॉल्स
स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, तो ये ऑप्शन भी देख लीजिए। उसके बाद ऑप्शन सी है पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं सैप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों ने अगर इसकी स्टडी की है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं एंड प्लाज्मोडियम जो है इसका उसमें वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है, स्लाइमी स्ट्रक्चर में होते हैं वो, एंड स्पोर्स जो होते हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं जो ब्लैंक के फॉर्म में है, ठीक है। ब्लैंक है इज़ अ पैरासाइट, मतलब ये कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वो जो डिजीज़ कॉज करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझिएगा, ब्लैंक है इज़ अ पैरासाइट, वो कोई पैरासाइट है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड कॉज द डिजीज़, की लार्ज ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पैरासाइट है और वो क्या डिजीज़ कॉज कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास है एशरिकिया कोलाई एंड अमीबिक डिसेंट्री, ऑप्शन बी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबिक डिसेंट्री, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड मलेरिया एंड ऑप्शन डी है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, और अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे फ्रेंड्स तो फिर आपको अपने एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको पता ही है क्वेश्चन का जो वे है वो अलग है, बट आंसर बिल्कुल अच्छा है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका ऑप्शन नंबर बी जो है वो पैरासाइट होता है फ्रेंड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पैरासाइट है ये, और ये डिजीज़ कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। देखिए ऑप्शन नंबर ई में हमारे पास फ्रेंड्स ई एशरिकिया कोलाई है, ये भी हम इंटेस्टाइन में रहता है बट ये डिजीज़ कॉज नहीं करता है, ये गट फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। नाउ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो प्लाज्मोडियम तो आप जानते ही हैं मलेरिया का जो फैलाता है, ठीक है, मतलब वैसे मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ब्लड जो प्रोटोजोन होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। एंड अगेन जो ऑप्शन नंबर डी है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज तो करती है बट वो इंटेस्टाइन में नहीं रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन हमारा हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, कॉजल, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजार, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजार पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजार बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो पहला जो यहाँ पर है पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन, ऑप्शन नंबर बी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, ऑप्शन नंबर सी सिलिएटेड प्रोटोजोन, ऑप्शन डी है स्पोरोजोन। तो यहाँ पर जो स्लीपिंग सिकनेस है एंड काला आजार आपको पता ही है, अभी हमने जो पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जो स्लीपिंग सिकनेस थी वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से हो रही थी, ठीक है, और जो काला आजार है वो सैंड फ्लाई से होगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, जी हाँ बिल्कुल फ्लैजेलेटेड होते हैं ये, और प्रोटोजोन तो होते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिएटेड प्रोटोजोन, इसमें से कौन सा सिलिएटेड प्रोटोजोन है। तो यहाँ पे जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन नंबर सी है पैरामीशियम कॉडेटम एंड ऑप्शन नंबर डी है लीशमानिया डोनोवनी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं बिल्कुल ये थोड़ा इजी ही है कि ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है पैरामीशियम कॉडेटम, यानी पैरामीशियम जिसको हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं, जिसका जो आकार होता है शेप होता है वो चप्पल के जैसा होता है और उसकी पूरी बॉडी में चारों तरफ सीलिया ही होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में चारों तरफ सीलिया का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, और ये जो होता है हमारे पास ये स्लीपर एनिमल क्यूल पैरामीशियम कॉडेटम है, ठीक है।
फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता ही होगा दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है एक मेगा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी पिक्चर कहीं पर भी बहुत ईजिली देख सकते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा ही है, पीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास पैरामीशियम कोडेटन है जिसमें सीलिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्रोटोजोअन ग्रुप एंड इट्स एग्जाम्पल। इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कोई एक ऐसा होगा जो कि मिसमैच होगा, यानी कि जिसकी मैचिंग नहीं है, बाकी तो सारे अपने ग्रुप से मैच कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोअन एंड अमीबा हिस्टोलॉजी का। ओके ठीक है, इसके तो नेम में ही अमीबा है तो ये तो करेक्ट ही है फ्रेंड्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन एंड अमीबा हिस्टोलॉजी का। एंड सेकेंड है हमारे पास ऑप्शन बी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अभी हमने पढ़ा है कि ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन होता है पहले ही क्वेश्चन में, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है हमने, तो ये भी करेक्ट है, मैचिंग है इसकी भी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज़ अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। ऑप्शन नंबर सी इज सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम कॉडेटम। अभी जस्ट मैंने ड्रॉ करके बताया था पैरामीशियम, और आप लोग बहुत फेमिलियर हैं पैरामीशियम, यूनिसेलुलर होता है ठीक है, और इसमें सिलिया होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास स्पोरोजोन गोनियोलेक्स स्पिनिफेरा। तो बिल्कुल ये रॉन्ग है, बिल्कुल ये मैचिंग कहीं से भी इसकी नहीं है, तो ये हमारे पास मिसमैच्ड पेयर में स्पोरोजोन गोनियोलेक्स हो जाएगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर मेरा ये वाला जो लेक्चर है, जो मैंने प्रोटिस्टा के 10 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी यहाँ पे एंड होता है, और अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है और आगे भी मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।